हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्यूब फाइंड आउट करना। कोई भी नंबर आपको गिवन है तो उसका क्यूब आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो ये मेथड जो हम यूज़ में लेने जा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप सेकेंड्स में क्यूब फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये मेथड किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल जो लिखा हुआ है वो है 12। 12 का हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए मेथड को समझ लेते हैं किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो आपको नंबर गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 12 गिवन है, तो दोनों जो डिजिट्स हैं इसमें 1 और 2, दोनों का रेशो देखें। ठीक है, तो रेशो अगर देखें तो कितना है, 1:2। 1:2 का रेशो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो हम ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी डिजिट गिवन है उसका जो इंडिविजुअल डिजिट है यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो रेशो कितना है, 1:2। ठीक है, तो इसी रेशो को हमें फॉलो करते हुए न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हमारे पास 12 है, 12 को आपको सबसे पहले एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको दो और डिजिट को इंट्रोड्यूस करना है, बट आपको ये ध्यान रखना है जो रेशियो है हमारा 1:2 वो हमें फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजिट जो है 2 के नेक्स्ट डिजिट जो होगी वो कितनी होगी, अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो 4 होगा, और दोनों का रेशियो अगर फाइंड आउट करें 1:2 होगा, तो ये 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 4 हो गया, और अगेन यहाँ पे 4 का डबल दैट मीन्स 4:8 अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट लाइन जो होगी, फर्स्ट रो, तो उसमें हमारे पास डिजिट्स आ चुके हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इस स्टेप को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जो डिजिट आपको गिवन है, सबसे पहले उसके नंबर जो गिवन है उसके डिजिट्स जो हैं उनका रेशियो देखना है। यहाँ पे हमारे पास रेशियो है 1:2, तो इस रेशियो को फॉलो करते हुए आपको नेक्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे लिखनी हैं। तो 2 का जो रेशियो है 4 के साथ वो कितना होगा, 1:2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हमने इंट्रोड्यूस किया। अब 4 को जो रेशियो हमें फॉलो करना है 4 के साथ 1:2 का, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम जब 8 लिखेंगे तो रेशियो हमारा क्या होगा, 1:2 होगा। चलिए हमारे पास फर्स्ट रो मिल चुकी है, अब हमें क्या करना है, जो ये दो मिड डिजिट्स हैं, है ना, 2 और 4, इनका हमें डबल करके नीचे लिखना है। तो 2 का डबल कितना होगा, 4, और 4 का डबल कितना होगा, 8, तो इन दोनों को यहाँ पे नीचे लिख देना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए तो अब हमें क्या करना है, सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है। ये 8 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 8 तो कितना होगा, 12। 12 का 2 जो है वो यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दी। 4 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 6। 6 में ये वाली कैरी जो है वो ऐड हो जाएगी, तो 6 + 1 = 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 एज इट इज़ रहा, तो इसको यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। तो जो फाइनल हमें नंबर मिला वो है दिस 1728। तो 12 का क्यूब जो है वो होगा 1728। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इलेवन का क्यूब, ठीक है, अब 11 का क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स का रेशियो देखें, तो रेशियो कितना होगा, 1:1। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें रेशियो 1:1 फॉलो करते हुए 4 डिजिट्स लिखनी है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट्स 1 और 1, नेक्स्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएंगी,
वन का वन के साथ रेशियो वन ही होगा और वन का वन के साथ वन ही होगा। तो यहाँ पे चारों डिजिट जो होंगी हमारी वो वन 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 हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप हम क्या फॉलो करते थे, जो मिड वाली टर्म्स होती थी उनका डबल करके नीचे लिखते थे। तो यहाँ पे मिड टर्म्स जो हैं वो वन एंड वन, वन का डबल करेंगे तो टू, और इस वाले वन का डबल करेंगे तो टू। तो ये यहाँ पे हमने टू और टू रिप्लेस कर दिया। क्लियर। अब क्या करना है, सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है। तो सिंपल एडिशन किस तरह से परफॉर्म करेंगे, अगेन ये वन एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करेंगे तो थ्री हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे थ्री हो जाएगा, ये वन एज इट इज़। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो होगा 1331। तो 11 का क्यूब जो है वो कितना होगा, 1331। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 16 का क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे दोनों डिजिट्स के बीच में। तो रेशियो क्या है, 1:6। तो ये रेशियो फॉलो करते हुए हमें डिजिट्स लिखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहली डिजिट 6 है तो सेकंड डिजिट जो है वो उसका 6 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट तो है 1, सेकंड क्या है 6। अब नेक्स्ट डिजिट जो है वो क्या होगी, इसकी 6 टाइम होगी। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगेन ये टर्म अगर 36 है तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो इसकी क्या होगी, 6 टाइम। ठीक है, तो 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 216 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट्स मिल चुकी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, डिजिट्स को नोट कर देते हैं यहाँ पे, 1, 6 और ये 36, ये 216। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, जो ये मिडिल वाले टर्म्स हैं इनकी डबल कर देते। तो 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 36 का डबल हो जाएगा 72। तो डबल करके हमने इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे नीचे नोट कर दिया। क्लियर। अब हमें सिंपल एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे 216 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये 6 + 2 = 8 और 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। तो 108। ठीक है, 6 में 12 को ऐड करें तो 18 हो जाएगा और ये 1 एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो 216 है इसका 6 हमने यहाँ पे नोट कर लिया, 21 जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो 108 में अगर आप 21 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 129। तो 129 का 9 यहाँ पे नोट किया हमने और 12 जो है वो अगेन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब 18 में 12 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30, तो यहाँ पे हम 30 का 0 जो है वो नोट कर देंगे और 3 जो है नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 1 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमारे पास जो डिजिट मिला वो है 4096। ठीक है, तो ये फाइनल जो है हमारे पास फाइनल टर्म वो कुछ इस तरह से है, 4096, वो होगा 16 का क्यूब। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है 21, 21 का क्यूब करना है। तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है रेशो, रेशो है 2:1। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, रेशियो हमारे पास 2:1 है तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा 2 है उसका क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 8 का हमें 2:1 रेशियो फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 8 का अगर हाफ करें तो कितना होगा, 4। तो 8/4 कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास। अगेन अब हम क्या करें, नेक्स्ट टर्म जो फाइंड आउट करना है वो है 2। ठीक है, 2 कैसे फाइंड आउट किया, तो अगेन हमें रेशियो क्या फॉलो करना है, 2:1। तो 4 है, 4 को डिवाइड बाय 2 करें तो रेशियो कितना है, 2:1।
ठीक है। सिमिलरली लास्ट डिजिट जो है वो वन होगी, ठीक है, क्योंकि टू इज़ टू वन, टू डिवाइड बाई वन कितना होगा, टू इज़ टू वन रेशो हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर मिले फर्स्ट रो के लिए वो है 8421। तो इस मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि 21 जो है इसमें फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट जो डिजिट है उसको आपको क्यूब करना है, ठीक है। क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, उसके बाद हमें रेशो को फॉलो करते हुए डिजिट फाइंड आउट करनी है, क्लियर। चलिए तो अब नेक्स्ट जो स्टेप हम फॉलो करेंगे, जो मिड वाली टर्म्स हैं इनको डबल करना है। 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, और 2 का डबल कितना होगा, 4। अब सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है, 1 को एज इट इज लिखा, 2 प्लस 4 किया तो कितना हो जाएगा, 6, एंड 4 प्लस 8 कितना होगा, 12। 12 का 2 जो है वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दी यहाँ पे। तो 8 प्लस 1 8 प्लस 1 करें तो कितना होगा, 9। तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 9261, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है 23 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे रेशो फॉलो करना है, 2:3 का रेशो, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 को क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8। तो 8 यहाँ पे हमने नोट कर लिया। अब सेकंड डिजिट हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें पता नहीं है सेकंड डिजिट क्या है, तो हमने इसको x कंसिडर किया, तो हम इसको लिखेंगे 2:3 इज इक्वल्स टू 8/x, और इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 मिल गया। चलिए नेक्स्ट डिजिट भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो हमें क्या करना है, ये हमें पता चल चुका है। अब अगेन आपको क्या करना है, 2:3 इज इक्वल्स टू 12/x मान लो, और इसको हम इनटू करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 18। तो ये नेक्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो फिर से हमें क्या करना है, 2:3 इज इक्वल्स टू, ये हमें पता है तो नेक्स्ट हमें पता करना है, तो 18/x करें तो ये 9 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू 27, ठीक है, क्लियर। तो ये 27 हो गया। चलिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2:3 रेशियो फॉलो करते हुए फर्स्ट रो की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। अब हम क्या करेंगे, मिड वाली जो डिजिट्स हैं है ना, उनको डबल करेंगे। तो 12 का डबल 24 यहाँ पे नोट कर लिया, 18 का डबल जो है 36 यहाँ पे नोट कर लिया, क्लियर यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है हमें एडिशन, ठीक है। 27 को एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 6 और 8 को कितना रखेंगे, 14, 14 का 4 हासिल का 1, देन 1 कैरी कर दिया, 3 एंड 2 कितना हो गया, 5, 54 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो 7 है इसको तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो हो जाएगा 56, 56 का 6 यहाँ पे नोट किया, 5 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 36 प्लस 5 करें तो 41 होगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 8 प्लस 4 करें तो कितना होगा, 12, तो 12 यहाँ पे नोट कर दिया। तो जो फाइनल डिजिट है हमारी वो है दिस वन, 12167। तो 23 का क्यूब जो होगा वो होगा 12167, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे हमने 11 का क्यूब फाइंड आउट किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास रेशो जो होगा 1:1 रेशो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पे 1 का क्यूब लिखा था वहाँ पे, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होगा, 27, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1:1 रेशो हमने फॉलो किया। अब क्या करना है, तो मिड जो टर्म्स हैं उनको डबल कर देना है, तो डबल करके यहाँ पे हमने लिखा 54, ठीक है। अब सिंपल एडिशन परफॉर्म करना है, पहले 27 को एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो होगा 81,
इन दोनों को ऐड किया तो होगा 81। 27 को एज इट इज़ लिखा। अब जो 27 का जो 7 है उसको यहाँ पे नोट किया और 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो 81 प्लस 2 करें तो 83 होगा। 83 का 3 जो है वो यहाँ पे नोट किया और 8 को हमने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 8 को हमने यहाँ पे फॉरवर्ड किया तो उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, 81 में। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 81 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 का जो है 9 वो यहाँ पे नोट किया और अगेन 8 को यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। तो 27 प्लस 8 करें तो ये वाला 8 हम ऐड कर दें इसमें तो ये हो जाएगा 35। तो 35 हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। तो चलिए देखिए फाइनल सॉल्यूशन जो है हमारा, फाइनल सॉल्यूशन जो है 33 का क्यूब जो है हमारे पास वो होगा दिस वन 35937, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।